Welcome to this channel. In this video, we will try and understand the excretions, how the excretion occurs in the Hydra, Planaria, Earthworm and Cockroach, जो हमारे बुक में 12th क्लास के बुक में डिस्कस किए गए हैं. तो इनको हम जो है सीरीज वाइज डिस्कस करते हैं. एक्सक्रीशन होती क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन जो है रिमूवल है मेटाबॉलिक वेस्ट का, मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट. तो हाइड्रा एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो इसमें जो है ना ये जो है अमोनिया एक्सक्रिएट करता है. अमोनिया इसका मतलब ये है कि इसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा उसकी एक्सक्रीशन करने के लिए. हालांकि एटीपी इसको नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मगर यस वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर. तो मैं पता है कि प्लेनेरिया जो हाइड्रा है वो रहता ही वाटर में है, उसका इन्वायरमेंट होता ही वाटर में है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती. इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. तो प्लेनेरिया जो हाइड्रा है उसका जो माउथ है, दिस वन इज द माउथ पार्ट, और उसके अलावा टेंटिकल्स कुछ होते हैं इसमें, और गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटीज़ होती हैं यहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटीज़ जहाँ से वाटर इन होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वाटर फिर आउट होता है, और यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए. तो फूड जो इंटर होता है वो माउथ से होता है, और फिर फूड माउथ से इंटर होने के बाद गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में जाता है जहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है. थ्री यहाँ पे थर्ड नंबर पर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड अराउंड द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स जो है ना पूरी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक फेल, पूरे जो है ना वो क्या हो जाते हैं हमारे पास फैल जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द माउथ. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेल्ड वाटर से आउट हो जाते हैं, और हाइड्रा में सिंपल सा एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है अमोनिया उसकी बॉडी कैविटी से आउट हो जाता है. नथिंग मोर डिफिकल्ट. और ये हाइड्रा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लेनेरिया. ठीक है, तो जो प्लेनेरिया की एक्सक्रीशन है वो थोड़ी सी हाइड्रा से कॉम्प्लिकेटेड होती है. यहाँ पे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेरिया. यहाँ पे मैंने प्लेनेरिया बनाया हुआ है. प्लेनेरिया में एक लॉन्गिट्यूडनल सीधी, लॉन्गिट्यूडनल हम सीधी कहते हैं, और ब्रांच टाइप, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ब्रांच टाइप एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जहाँ पे देख सकते हैं आप. ठीक है, और इस अगर छोटी सी इस ब्रांच को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल होता है. ठीक है, एक सेल होता है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं और प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल. उसमें सीलिया मौजूद होते हैं. सीलिया की मूवमेंट की वजह से, जब सीलिया मौजूद होते हैं तो सीलिया की मूवमेंट की वजह से जो है उसकी जो टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ पे अगर टिश्यू फ्लूइड मौजूद है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, यहाँ से जो है ना फ्लूइड अंदर की तरफ आता है. जब अंदर की तरफ आता है तो एक्सक्रीटरी कैनाल यहाँ पे मौजूद होती है. एक्सक्रीटरी कैनाल से गुजर कर फिर एक्सक्रीटरी पोर से गुजर कर यहाँ से एक्सक्रीटरी पोर से आउट हो जाता है. फ्लेम सेल्स जो है ना ये ब्लाइंड होते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो है ना ओपनिंग नहीं होती है, ब्लाइंड बल्ब लाइक होते हैं. इनकी जो शेप है वो बल्ब की जैसी होती है, और इनके पास सीलिया होते हैं. प्लेनेरिया भी जो है ना वाटर में लिविंग करता है, वाटर में रहता है बहुत कॉमनली, और यहाँ पर भी जो है ना एक्सक्रीशन किसकी होती है, अमोनिया की ही एक्सक्रीशन होती है. यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस होती है यहाँ पे, और एक ब्रांच की एक सेल को अगर निकाल के यहाँ के सेल को देख लेते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेम सेल जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, यहाँ पे सीलियास मौजूद होते हैं. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है टिश्यू फ्लूइड, या टिश्यू फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं. तो यहाँ से जो है ये फ्लूइड फ्लेम सेल सीलिया की मदद से लेता है अंदर, फिर एक्सक्रीटरी कैनाल एक्सक्रीटरी पोर से ही जो है ये फ्लूइड निकल जाता है. सिंपल से ये प्रोसेस होता है प्लेनेरिया के अंदर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द अर्थवर्म. राइट, अर्थवर्म थोड़ा सा जो है ये प्लेडियल, जो प्लेडियल मेथिसिस प्लेनेरिया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है यहाँ पर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लेनेरिया में. ये अर्थवर्म की ये बात होती है कि यहाँ पे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी.
अर्थवर्म की बॉडी कैसी हो रही है, सेगमेंटेड हो रही है, और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मेटानेफ्रीडिया। कौन सा होता है? मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया आप रिवाइज करें, मेटानेफ्रीडिया ये ऑर्गन है अर्थवर्म में जो एक्सक्रीट करवाता है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा जो है ये एक पूरा मेटानेफ्रीडिया है। मेटानेफ्रीडिया के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि नेफ्रोस्टोम है और नेफ्रीडियोपोर है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि ये नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपनिंग, ठीक है, ये इनसाइड ओपनिंग होती है जहाँ पे सीलियाज लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सीलियाज लगे होते हैं। इस ओपनिंग पर, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेफ्रीडियो नेफ्रोस्टोम कहते हैं। और वो ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी बाहर आ रही होती है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। यहाँ से जो भी रीअब्सॉर्प्शन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बन बचता है यूरिया की शक्ल में, वो यहाँ से आउट हो जाता है। और हर हर जो है एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के बीच में एक थोड़ी सी छोटी सी लाइनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। यस, नेफ्रियो नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग कंटेनिंग सीलिया, नेफ्रीडियोपोर एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ से जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी से आउट हो जाते हैं, और पूरी स्ट्रक्चर को नेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। और मेटानेफ्रीडिया के जो सराउंडिंग है ये सीलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। सीलोम होता है आउटसाइड बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। सीलोमिक फ्लूइड ही है जहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होता है जो कि सीलिया की मदद से नेफ्रोस्टोम कैप्चर करता है। फिर यहाँ पे मेटानेफ्रीडिया के पास जो है ना बहुत ज़्यादा कैपिलरीज अटैच होती हैं, तो कैपिलरीज से जो है ना ये रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। कैपिलरीज क्या करती है? रीअब्सॉर्ब करती हैं जो भी अर्थवर्म के लिए बहुत यूजफुल चीज़ें होती हैं या वाटर होता है, तो वो रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे होती है। फिर जो है ना नेफ्रीडियोपोर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। लेट्स डिस्कस उसकी थ्योरी में देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अर्थवर्म, बेसिकली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेटानेफ्रीडिया होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच कैसे होती है? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है। लेट्स ट्राई टू मेक इट सिंपल। तो बहुत यहाँ पे समझते हैं कि सी चीज ये है कि ये एक्सक्रीट यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में यूरिक एसिड क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पे जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मालफीजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मालफीजन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। हमें पता है कि कॉकरोच के पास जो है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होता है, जैसे कि ह्यूमंस के पास इंटेस्टाइन और स्टमक, इंटेस्टाइन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ये होते हैं। तो यहाँ पे फोरगट, मिडगट और हाइंडगट का जो है ये सिलसिला होता है, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, इन दोनों के जंक्शंस पर जो है मालफीजेंस बॉडी होती है। मालफीजेंस बॉडी इस तरह की कुछ बॉडी आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन है, आपस में ये यूनाइट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये मालफीजेंस ट्यूब्यूल्स यहाँ से अराइज हो रही हैं। तो मालफीजेंस ट्यूब्यूल्स जो है ये हीमोलिम्फ में होती है। हीमोलिम्फ क्या होता है कि ये हीमोलिम्फ जैसे कि ब्लड है, ब्लड हमारे अंदर ब्लड होता है, मगर कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है। तभी जब भी अगर आप कॉकरोच को जब भी मारते हो तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता बल्कि वाइटिश सब्सटेंसेस जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ऑलराइट, तो हीमोलिम्फ से जो है ना ये सॉल्ट, यूरिक एसिड, वाटर को जो है ना वो अपने ट्यूब्यूल्स में डालती हैं, और फिर यूरिक एसिड को और फीसिस को आउट करती हैं। और जो हीमोलिम्फ में जो सॉल्ट और वाटर जो कि कॉकरोच के लिए बहुत अहम होते हैं, कॉकरोच के लिए ज़रूरी होते हैं, ये रीअब्सॉर्ब करती हैं, ये जो है ना रिसाइकिल करती हैं, ये मालफीजेंट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉकरोच। और दूसरी चीज़ कि ये कौन सा एक्सक्रीट करती है? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन की ये कैसे होती है फिलेरिया में और कॉकरोच में और अर्थवर्म में। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड स्टिल यू डोंट हैव सब्सक्राइब, देन यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।